भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमें दमखम के साथ मैदान पर उतरी हैं। टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और मैच की चौथी ही गेंद पर कप्तान शिखर धवन चमीरा की गेंद पर धनंजय को कैच थमा बैठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कप्तान शिखर धवन इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे। जैसे ही शिखर धवन का विकेट गिरा, ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। वो तो यकीन भी नहीं कर पाए कि पारी की अच्छी शुरुआत करने वाले शिखर धवन आज फाइनल मुकाबले में जीरो पर ही ढेर हो जाएंगे। पहले ओवर में शिखर धवन का विकेट गिरा और चौथे ओवर की छठी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल भी चलते बने, लेकिन शायद लगता है कि विकेटों की कतार यही नहीं रुकने वाली थी। अगले ही ओवर में हसरंगा ने सैमसन को भी चलता कर दिया और इस तरह से टीम इंडिया के 24 रन पर ही 3 विकेट उड़ गए। देखना होगा कि आगे आने वाले बल्लेबाज किस तरह से खेल दिखाएंगे, क्योंकि अगर आज का मैच ना जीते तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।